हमने ऐसे कलाकार देखे हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जब काम मिलना बंद हुआ तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ कलाकार अपनी लाइन छोड़ फिल्म निर्माण में कूद पड़ते हैं और बर्बाद होकर लौट आते हैं। कुछ कलाकार अपनी मनमानी करते हैं जिससे निर्माता उन्हें साइन करने से पहले 10 बार सोचता है। ऐसे अनगिनत कलाकारों में एक अभिनेत्री भी हैं जिसका नाम था लीला नायडू। 50 और 60 के दशक में लीला नायडू का खूब बोल बाला था। उनका जन्म 1930 को हुआ था। तारीख तो किसी को पता नहीं, पर उनके पिता डॉक्टर पत्तिपति रमैया नायडू जाने माने साइंटिस्ट थे। मूल रूप से आंध्र प्रदेश से उनका नाता था। इतने बड़े साइंटिस्ट की बेटी होने के साथ ही लीला की माँ भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं थी। मूल रूप से फ्रांस से रही उनकी माता डॉक्टर मार्थे नायडू एक सफल जर्नलिस्ट थी। दुर्भाग्यवश लगातार 7वें बार उनका गर्भपात होने के बाद 8वें संतान के रूप में लीला नायडू का जन्म हुआ था। 1954 में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतकर वो चर्चा में थी। साथ ही उसी दौरान वॉग मैगजीन की दुनिया भर में 10 सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में भी लीला नायडू का नाम था। 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से लीला नायडू ने अपना डेब्यू किया था। ये फिल्म सफलता का स्वाद तो नहीं चख सकी, लेकिन इस फिल्म में लीला नायडू की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। साथ ही इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद लीला नायडू के पास फिल्मों की झड़ी लग गई, लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और वही फिल्में चुनी जिनकी गवाही उनके दिल ने दी। अपने करियर में लीला नायडू ने हर तरह के किरदार निभाए। उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें आज भी उनके बेजोड़ अभिनय के लिए याद किया जाता है, जिनमें ये रास्ते हैं प्यार के, उम्मीद, आबरू, द गुरु जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा लीला नायडू ने कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। 1964 में आई फिल्म बागी उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी, जहां लीला नायडू प्रोफेशनल लेवल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मात्र 17 साल की उम्र में ही लीला नायडू ने ओबेरॉय होटल के मालिक के बेटे से शादी कर ली थी, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। शादी के कुछ साल बाद ही लीला नायडू का पति से तलाक हो गया। इसके बाद लीला नायडू ने मुंबई के रहने वाले एक कवि से शादी कर ली। न जाने लीला नायडू की किस्मत कैसी थी, उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। इससे लीला नायडू की जिंदगी उथल पुथल भरी हो गई। उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया और गुमनामी में जिंदगी बिताने लगी। लीला नायडू ने घर से निकलना भी बंद कर दिया। उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी थी, जिसकी वजह से लीला नायडू को चलने फिरने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्होंने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। जिसे भी मिलना होता वो लीला के घर पहुंच जाता। इसके अलावा लीला नायडू आर्थिक तंगी का भी शिकार हो गई थी और इसकी वजह से उन्हें अपने घर में किराएदार रखने पड़े ताकि घर का खर्च चल सके। 2009 में उन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी हुई, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। 28 जुलाई 2009 को उनका निधन हो गया। आज लीला नायडू भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग विरासत फिल्मों के रूप में आज भी हमारे बीच है।